कक्षा 7 व 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम का टाइम फ्रेम यहाँ पर डाला गया है और इसमें सभी विद्यार्थियों को इस योजना में वित्तीय प्रावधान के अनुसार उनसे फॉर्म मांगे गए हैं। प्रत्येक जिले में 24-24 बच्चे अंतर जिला भ्रमण के लिए जाएंगे, मतलब 12 कक्षा 7 के और 12 बच्चे ही रहेंगे कक्षा 8 के, मेरिट के अनुसार रहेंगे। इनकी पिछले वर्ष का जो कक्षा है उसके परसेंट के हिसाब से इनके फॉर्म लगेंगे, उनके हिसाब से इनका सिलेक्शन किया जाएगा और इस सारा जो दारमदार रहेगा अंतर जिला शैक्षिक भ्रमण का जो दायित्व है जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा तथा सर्किल ऑर्गेनाइजर सीईओ स्काउट एवं गाइड जो नोडल अधिकारी बनाया गया है उनको दिया गया है। कार्यक्रम इस तरीके से है, 20/11/2022 तक सभी विद्यार्थियों के द्वारा जो भी फॉर्म भरना चाहे उनके द्वारा आवेदन प्राप्त किए जाएंगे और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्राप्त राशि प्रारंभिक शिक्षा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों में से वरीयता के आधार पर निर्धारित संख्या में छात्र छात्राओं का चयन कर संबंधित को सूचित करेंगे 30/11/2022 तक। 10/12/2022 तक कार्यक्रम का अनुमोदन करेंगे और ये जो शैक्षिक भ्रमण रहेगा 5 दिवसीय अंतर जिला शैक्षिक भ्रमण रहेगा, इसकी अवधि है शीतकालीन अवकाश में रहेगा 26/12 से 30/12/2022 तक या फिर 1/1/2023 से 5/1/2023 तक। इसमें जो 28 जुलाई 2014 को संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा जारी परिपत्र है उसके अनुसार इस भ्रमण के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों का प्रयोग किया जाएगा। क्या क्या इसमें सावधानियां बरती जाएगी और इसमें इनके साथ में 2 शिक्षकों का चयन भी किया जाएगा जो इनके साथ में रहेंगे, उनको प्रायोरिटी रहेगी कि वो स्काउट गाइड से संबंधित ही हों। इसके अलावा इनका उद्देश्य है वहाँ ऐतिहासिक सांस्कृतिक प्राकृतिक जो धरोहर है उनसे इनको परिचित करवाया जाए, स्थापत्य कला की इनको जानकारी दी जाए और प्राकृतिक धरा का आनंद ये उठाएं, सामुदायिक जीवन से प्रेरित हों और भ्रमण अवधि राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत 7 व 8 के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष दीपावली अवकाश में राज्य के अन्य जिले में 5 दिवसीय राजस्थान दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत शैक्षिक भ्रमण हेतु भेजा जाएगा। विद्यार्थी की योग्यता कक्षा 6 व 7 में न्यूनतम 70% अंक उसने हासिल किए हों, इस तरीके से इसको रखा गया है और मेरिट का निर्धारण किया जाएगा, जो मेरिट में आएगा नंबर में स्थान उनका यहाँ पर नाम चयनित कर दिया जाएगा और लिस्ट को अनुमोदन करके और संबंधित बच्चों को सूचित कर दिया जाएगा जो बच्चा जाना चाहे। उसके अलावा 6 बच्चे और अतिरिक्त रखे जाएंगे, अति आवश्यक कार्य होने पर जो बच्चा नहीं जाएगा उसकी जगह पर उसको दूसरे बच्चे को वहाँ पर ले जाया जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने सरकार के द्वारा कुछ राशि का भी इसमें अनुमानित व्यय रखा गया है जो इस प्रकार है, किराया का 2,000 रुपये, भोजन 800 रुपये, अल्पाहार 300 रुपये, आवास 600 रुपये का, स्टेशनरी में खर्च होंगे 200 रुपये की एवं अन्य व्यय में 233 रुपये, कुल मिलाकर प्रति विद्यार्थी 4,133 रुपये यहाँ पर आवंटित किए गए हैं सरकार के द्वारा। वहाँ पर कुछ प्रतियोगिताएँ भी होंगी तो प्रथम स्थान पर 350, द्वितीय स्थान पर 250, तृतीय स्थान पर 200 रुपये का इसमें इनाम रखा है। भ्रमण के दौरान ये ठहरेंगे प्रत्येक जिला एस्कॉर्ट शिक्षक जिला मुख्यालय पर स्थित स्काउट हेडक्वार्टर पर ठहरेंगे और अध्यापक का चयन में स्काउट एवं गाइड अध्यापक को ही जो प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी और अंतर जिला दर्शन में लिखने हेतु डायरी बॉल पेन उपलब्ध करवाया जाएगा। इस तरीके से ये सरकार की योजना है, ये फॉर्म सरकार के द्वारा
जारी किया गया है। इसमें छात्र छात्रा का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, कक्षा, विद्यालय का नाम, विद्यालय SR नंबर और पत्र व्यवहार का पता इसमें दिया गया है। साथियों, इस तरह के सूचना हम आपको उपलब्ध करवाते हैं। यदि आप तक हमारी ये सूचना पहुँचे और आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।